हेलो स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम अपने लास्ट वीडियो इट मिस अपने फोर्थ वीडियो में हम रेस्ट पार्ट डिस्कस करेंगे द वाइट रेवोल्यूशन सबसे पहले वाइट रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे वाइट रेवोल्यूशन को डेवलप किसने किया था वर्गीस कुरियन ने किया था और वाइट रेवोल्यूशन का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट करना अब है हमारा टॉपिक अमूल प्रोडक्ट्स लाइज सक्सेसफुली हिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग इन इंडिया सबसे पहले इंडिया में कॉपरेटिव डेयरी फार्मिंग में डेवलपमेंट कौन लाया था अमूल प्रोडक्ट्स अमूल प्रोडक्ट्स इट मीन्स मिल्क प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कंपनी थी कॉपरेटिव डेयरिंग इट मीन्स पूरी तरह से कॉपरेटिव बेसिस पे डेवलपमेंट किया गया फिर है हमारा वर्गीस कुरियन निक नेम्ड द मिल्क मैन ऑफ द इंडिया वर्गीस कुरियन ने जो वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी और इन्हें मिल्क मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं क्यों क्योंकि इन्होंने मिल्क के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट किया था प्लेड ए क्रूशियल रोल क्रुशियल रोल इट मींस इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी ऑफ द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड हैड लॉन्च अमूल अब हमारा आ जाता है कि जो वर्गीज कुरियन था उन्होंने कुरियन थे उन्होंने इस बेसिस पे डेवलपमेंट किया था अमूल का इट मीन्स गुजरात अमूल जो डेयरी है वो है गुजरात में फिर है हमारा बेस्ड इन आनंद ए टाउन इन गुजरात आनंद डेयरी टाउन गुजरात में है अमूल इज़ ए डेयरी कॉपरेटिव मूवमेंट ज्वाइन बाय अबाउट टू एंड द हाफ मिलियन मिल्क प्रोड्यू प्रोड्यूसर इन गुजरात जो सबसे पहले डेयरी फार्मिंग में जो भी इंक्रीजमेंट हुआ था वो अमूल प्रोडक्ट्स ने किया था यानी कि अमूल कंपनी ने किया था जो कि एक कॉपरेटिव मिल्क कंपनी है और इन्होंने ही मिल्क प्रोड्यूसर के साथ हाफ मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर के साथ गुजरात में और प्लस टू एंड हाफ मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर के साथ गुजरात में कॉपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया था अमूल ने जो कि गुजरात में है किस बेस पे आनंद डेयरी के बेस पे फिर हमारा आ जाता है द दाइट रेवोल्यूशन इन 1970 सेवेंटी द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड इट मीन्स आपसे ऑपरेशन फ्लड के बारे में भी पूछ सकता है एग्जामिनर वेरी आई 1970 में रूरल डेवलपमेंट इट मींस विलेज के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम डिसाइड किया गया उस प्रोग्राम को हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड फिर हमारा ऑपरेशन फ्लड ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर इट मीन्स ऑपरेशन फ्लड इसमें मिल्क प्रोड्यूसर को ज्वाइन किया गया इन टू ए नेशन वाई मिल्क रीड इट मीन्स पूरे नेशन के मिल्क प्रोड्यूसर्स को इसमें ज्वाइन किया गया विद द पर्पज़ ऑफ द इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन पूरे नेशन वाइज इट मीन पूरी कंट्री के मिल्क प्रोड्यूसर को किस लिए ज्वाइन किया गया मिल्क प्रोडक्शन की इंक्रीजमेंट के लिए ब्रिंगिंग द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर क्लोजर बाय एलिमिनेटिंग मिड मिडिल मैन इससे क्या हुआ कि जो मिल्क प्रोड्यूसर थे वो और कंज्यूमर जो मिल्क को कंज्यूम करते थे वो दोनों एक के एक दूसरे के नियर आए और उन्होंने क्या किया जो मिडिल मैन थे जो मिडिल मैन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर से दोनों से ही बेनिफिट लेते थे उन मिडिल मैन को रिमूव किया गया अश्योरिंग द प्रोड्यूसर ए रेगुलर इनकम थ्रू आउट द ईयर जो प्रोड्यूसर थे उन्हें थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे ईयर इनकम को श्योर किया गया एंड ऑपरेशन फ्लड वॉज नॉट जस्ट ए डेयरी प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड एक डेयरी प्रोग्राम ही नहीं था बल्कि इट्स सॉ डेयरिंग एज ए पाथ ऑट द डेवलपमेंट इसमें बताया गया कि डेयरी डेयरी प्रोग्राम या फिर डेयरी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स के थ्रू भी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड पाथ को अडॉप्ट किया जा सकता है फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इसने डेवलपमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट को तो इंक्रीजमेंट किया ही साथ ही साथ पर्सनस को इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करें इनकम फॉर रूरल हाउस होल्ड रूरल हाउस होल्ड इटमीन गाँव में रहने वाले जो जो पर्सनस थे उन्हें इनकम प्रोवाइड कराएंगे एंड द एलिवेटिंग पॉवर्टी और पॉवर्टी को रिमूव किया गया ये है मेजर बेनिफिट थे यानी कि मेजर इम्पैक्ट थे ऑपरेशन फ्लड के फिर हम एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी रूरल हाउस होल्ड को इनकम प्रोवाइड कराएगी पॉवर्टी को रिमूव किया गया द नंबर ऑफ मेंबर्स द कोऑपरेटिव हैज कंटिन्यू टू इंक्रीज विद द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स एंड द वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो मेजरिंग सिग्निफिकेंटली इसमें वुमेन्स ने भी बढ़ चढ़ कर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव हैज़ कंटिन्यू टू इंक्रीज विद द नंबर ऑफ वुमेन्स लगातार इसमें ना केवल मेल पर्सन्स भी इंक्रीज हुए बल्कि फीमेल पर्सन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज़ ऑर्गनाइज पुअर पीजेंटी एंड द सेकेंड द कॉल्ड ग्रीन रेवोलूशन ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइस ऑफ द वॉट इज कॉल्ड द मिडिल पीजेंट सेक्शन फिर हमारा जाता है लैंड डेवलपमेंट लैंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है द पीरियड फ्रॉम द नाइनटीन सिक्सटी सेवन नाइनटीन सिक्सटी सेवन के ड्यूरेशन में ऑनवर्ड विटनेस्ड मैनी न्यू रेस्ट्रक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए फोर्टीन प्राइवेट बैंक्स फॉर नेशनलाइज फोर्टीन प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया गया इट मीन्स पब्लिक सेक्टर में लाया गया द गवर्नमेंट अनाउंस मैनी प्रो पुअर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कई पुअर पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कई प्रोग्राम को अनाउंस किया तो स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट वीडियो इट मींस फोर्थ वीडियो में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन थर्ड स्टडी किया था पॉलिटिक्स इन प्लान डेवलपमेंट ये हमारा लास्ट वीडियो था